गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो देखिए मार्केट ओपन हो चुका है और यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, तो मार्केट में देखिए आपको क्या टारगेट करना है। ये जो बायर है और यहाँ पे जो सेलर है, तो अभी देखिए मार्केट क्या कर रहा है, अपसाइड जा रहा है। तो क्या आप यहाँ पे एक ऑल साइड की पोजीशन बना सकते हो? देखिए नहीं बना सकते, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए नहीं जा सकता। तो मार्केट को यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करने देते हैं। अगर मार्केट ज़्यादा ही डाउन साइड आ जाएगा, मान लेते हैं ये रेड कैंडल जो बन रहा है वो काफ़ी डाउन साइड आ जाता है, तो मे बी मार्केट इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए आया हुआ है, तो हमें थोड़ा सा और भी वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर अपर साइड जाना भी चाहता है तो मार्केट को एक स्टॉप लॉस क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद अपर साइड जाएगा। क्योंकि मार्केट में देखिए यहाँ पे जो सेलिंग करके गए थे वो ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो मार्केट उनको डायरेक्टली नहीं निकाल सकता। तो आपको कभी भी यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। दूसरा, क्या यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन बना लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मार्केट में आपको पता नहीं कि मार्केट कितना रिवर्स करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट में यहाँ पे दो दिन हो गए इनको पोजीशन बनाए हुए, तो मार्केट को अगर इनका स्टॉप लॉस खाना है तो और भी डाउन साइड आना पड़ेगा, यहाँ पे 35,300 के आसपास आना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट में भी इनका स्टॉप लॉस खा जाए। लेकिन उसके बाद एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगी मार्केट के पास, क्योंकि यहाँ पे इसका क्रॉस होने के बाद में भी दोबारा से हमें फ्रेश सेलिंग नज़र आने लगे, मार्केट में जो सेलर है वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाए, तो उसके बाद हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है अपसाइड उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बताएगी। अभी तो मार्केट देखिए यहीं पर होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर आपको कोई भी कॉल साइड की, कोई भी पुट साइड की, किसी भी प्रकार की पोजिशन नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि नॉर्मली आपको देखा जाए तो जब तक इस लेवल को और इस लेवल को, यहाँ तक कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं, तो मार्केट को यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करने देते हैं, उसके बाद हम पोजीशन बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पोजीशन बनाने वाले हैं। मैं वेट तो कर रहा था कि ब्रेकडाउन दे दे, लेकिन पहले हमें पोजीशन बनाना पड़ेगा। अगर ब्रेकडाउन आ जाता है तो हमारे लिए और भी अच्छा होगा। तो पहले मैं एक पोजीशन बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा कि मैं यहाँ पे पोजीशन क्यों बना रहा हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन में जाना मैं पसंद करूँगा। तो पहले हम क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं, 500 नहीं लेंगे अब, आज हम 505 पहली क्वांटिटी को हम यही रख लेते हैं, ज़्यादा हम वेट नहीं करने वाले। थोड़ा सा मैं वेट कर सकता था, लेकिन अभी मोमेंटम आया हुआ है तो आने देते हैं इसको। दूसरा हम पोजीशन बना सकते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, आने देते हैं इस मोमेंटम को। थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम आया हुआ है, तो अब बात कर लेते हैं, एक पोजीशन और बना लेते थे हम। थोड़ा सा मोमेंटम फास्ट आ गया, तो अभी हम एक पोजीशन ही में होल्ड करते हैं, देखते हैं निफ्टी में किस प्रकार का मोमेंटम आया हुआ है। निफ्टी में कंटिन्यू ब्रेकआउट आया हुआ है, एक रिजेक्शन लेगा उसके बाद हम पोजीशन बनाएंगे सेकंड वाली। अभी हम जो फर्स्ट ही पोजीशन में रहेंगे, कंटिन्यू मोमेंटम आने देते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा लेकिन हम बना सकते हैं, प्रॉफिट में हम पोजीशन बना सकते हैं। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा इन द मनी का उठा लेंगे हम। तो इसको हम क्या करेंगे, 600 क्वांटिटी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बाय कर लेते हैं। तो हमने दोनों पोजीशन बना लिए, दो पोजीशन बना लिए एक इंडेक्स के अंदर। करंटली बात करें तो हमें 15,000-17,000 के अराउंड प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की। प्रॉफिट हम लेने वाले हैं, ऑलमोस्ट हम लेने वाले हैं 60,000 के अराउंड अपना, 65-70,000 बनना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 60-65 के आसपास हम अपना प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। अगर लॉस की भी बात करें तो ऑलमोस्ट उतना ही हम लॉस लेने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हमने यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाई है। थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिव साइड का मोमेंटम आ गया है, चलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आता रहता है, मार्केट एक मोमेंटम देगा आप साइड का। अब बात कर लेते हैं हमने पोजीशन क्यों बनाई है। देखिए मार्केट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं, यहाँ तक ये वाला जो लेवल है, और दूसरा यहाँ पे एक साइकोलॉजी लेवल तो था नियर बाई, लेकिन मार्केट अभी यहाँ पे रिएक्शन दे सकता था। मुझे लगता, क्यों लगता था ऐसा, क्यों, नॉर्मली मैं क्या वेट करता हूँ, इसका ब्रेकडाउन होने देता हूँ, उसके बाद मैं पोजीशन बनाता हूँ। लेकिन मैंने बिल्कुल सपोर्ट के पास यहाँ पे क्यों बाइंग किया है, देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, ये वाला जोन देखिए आप, यहाँ से कंटिन्यू हमें सेलिंग नज़र आई, उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई भी आपको स्टॉप लॉस नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो मार्केट यहाँ पे अगर थोड़ा सा यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाकर, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाती मिडल में, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे एक पोजीशन थोड़ा सा इसका ब्रेकडाउन होने के बाद बनाता। लेकिन मार्केट ने कंटिन्यू सेलिंग दिखा दी, तो इसके बाद मार्केट को पता चल गया कि यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, तो मार्केट में भी इसका ब्रेकडाउन ना दे। तो मैंने पहले एक पोजीशन बनाई, उसके बाद ये मोमेंटम आ गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेकंड पोजीशन बनाई। तो ज़्यादा लॉजिक तो नहीं है, मे बी आपको मैं सिंपल है ये एक्सप्लेन कर पाया हूँगा, तो आपको देखना होगा कि नोटिस करना होगा। वैसे तो निफ्टी कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम जा रहा है, तो चलने देते हैं, दोनों ही अच्छे साइड का मोमेंटम कर सकते हैं। अभी हमें इसका ब्रेकआउट होने का वेट करना है, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक हमारा प्रॉफिट नहीं बनेगा, तो वेट करते हैं। मार्केट में करंट की बात कर लेते हैं, तो 20,000 के अराउंड अपना प्रॉफिट चलने लग गया। होल्ड करते हैं पोजीशन को, हमें ले जाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपायरी है, एक्सपायरी के नियर बाई रहता है तो प्रीमियम काफ़ी जल्दी लो हो जाते हैं, तो उसका भी हमें देखना पड़ेगा। तो होल्ड करते हैं पोजीशन को, देखते हैं क्या होता है।
तो यहाँ पे देखिए मार्केट बार बार एक रिजेक्शन ले रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने वाला है। तो क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। क्यों होने वाला है? देखिए मैं आपको काफ़ी बार बताता रहता हूँ, अगर सपोर्ट के पास आकर यहाँ पे बार बार रिजेक्शन लेगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा। क्यों स्टॉप लॉस क्रिएट कर देता है? क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन लेगा तो मार्केट में भी कुछ लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे। अपर साइड ज़्यादा स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं मार्केट के पास, लेकिन यहाँ पे बार बार रिजेक्शन लेकर मार्केट ने यहाँ पे सेलर को टेम्पटिंग किया है थोड़ा बहुत, तो वो मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो अभी हम वेट करते हैं। पोजिशन की बात करें तो देखिए 34 के राउंड अपना प्रॉफिट चलने लग गया है। होल्ड करते पोजीशन, इवन हमने एक पोजीशन लेट बनाई है, लेकिन हम एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेके निकलेंगे। ऐसा नहीं कि हम पहले निकल जाएंगे, एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे। ये हमारा रूल है और रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम करते रहोगे तभी आपका पैसा बनेगा मार्केट में। जब तक आप रूल नहीं बनाओगे, एंट्री के लिए रूल नहीं हुआ, एग्जिट के लिए रूल नहीं हुआ, तब तक आपका माइंडसेट भी आपका साथ नहीं देगा। अगर आपको माइंडसेट बनाना है, आपकी साइकोलॉजी को बनाना है, तो आपको एक एंट्री और एग्जिट तो पॉइंट बनाना पड़ेगा ना, एक सिस्टम तो बनाना पड़ेगा जो आपको कहेगी यहाँ पे आप एंट्री कर लो, यहाँ पे आप एग्जिट ले लो। तो केवल आपको एक, मैं ये कहता हूँ कि आपको साइकोलॉजी बनाना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। लेकिन माइंडसेट कब बनेगा? जब आपको ये पता होगा कि एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेना है, तो तब जाकर वो आपका माइंडसेट आपके कंट्रोल में आएगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप एंट्री क्यों ले रहे हो, एग्जिट क्यों ले रहे हो। तो अभी हम चलने देते हैं पोजीशन को। 24 के राउंड अपना प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में बार बार ब्रेकआउट आ रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा। रीज़न बहुत ही सिंपल है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट नहीं किए हैं। थोड़ा सा मार्केट को स्टॉप लॉस क्रिएट करने देते हैं। अब मार्केट यहाँ से तो यहाँ तक आ गया, अब मार्केट को अपर साइड स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं। हमने यहाँ कहीं पोजिशन बना ली तो बेनिफिट हमें उसका मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि मार्केट में एक मोमेंटम हमें मिलना चाहिए था। इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था मार्केट में, लेकिन टाइम ले रहा है, तो उसके कारण प्रीमियम भी हमारे काफ़ी लो रहे हैं। 19-10,000 के अराउंड हमारा प्रॉफिट चल रहा है। तो प्रॉफिट को अब तो हमें होल्ड करना पड़ेगा। अब हमें ऐसा तो नहीं कर सकते हम यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन बना लें, वो बिल्कुल गलत होगा। हमारा जो माइंडसेट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमने पोजीशन बना ली तो उसके बाद हम अमाउंट ऑफ लॉस या अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तक होल्ड करेंगे। जब तक आपको ऐसा सेंस नहीं बनेगा मार्केट में, तब तक आप लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपको अगर मार्केट में पैसा बनाना होगा तो आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना होगा, तभी आप एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे, उसके बाद आप उसी ऑर्डर पे रहोगे और उसी पोजीशन को होल्ड करते हुए अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करोगे। तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको, डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। तो मार्केट में होल्ड करते हैं। अभी हमारा 26 के अराउंड प्रॉफिट चलने लगा है, एक मोमेंटम आ गया मार्केट में, तो चलने देते हैं, ये आता रहेगा। हमें ज़्यादा मोमेंटम नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ तक चला जाए मार्केट, लेकिन थोड़ा सा एक मोमेंटम तो आना चाहिए ना, क्योंकि मार्केट यहाँ कहीं आया हुआ है। तो अगर मार्केट को डाउनसाइड आना भी है तो एक सेंटीमेंट बनाएगा अपर साइड का, उसके बाद मार्केट डाउनसाइड जाना चाहे तो जा सकता है, तो उसी सेंटीमेंट में हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो चलने देते हैं, 26 के राउंड अपना प्रॉफिट चल रहा है, तो थोड़ा सा होल्ड करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो यहाँ पे आप चार्ट में देखिए, यहाँ पे एक आपको ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे देखिए मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन भी दे दिया है। तो क्या आपको यहाँ पे सेलिंग साइड की पोजीशन बनानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मार्केट आपको टेम्पटिंग कर रहा है, क्योंकि मार्केट के पास चॉइस नहीं है कि मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट कर दे, डाउन साइड भी नहीं जा पा रहा है। तो होगा क्या, मार्केट को एक ट्रेंड लाइन वगैरह बनाना पड़ेगा, एक प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा डाउन साइड का, तभी तो मार्केट अपसाइड के स्टॉप लॉस क्रिएट कर पाएगा। तो देखिए जब तक यहाँ पे सेंटीमेंट नहीं बनाएगा तब तक मार्केट कुछ भी नहीं करता। एक सेंटीमेंट बना देगा, आपको मजबूर करेगा मार्केट कि मुझे ऐसा करो वैसा करो, उसके बाद मार्केट जो अपना एक्चुअल मूव है वो देना शुरू कर देगा। तो अभी आ रहा है मोमेंटम, आने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 21 का हमारा प्रॉफिट तो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, मार्केट में मोमेंटम का वेट करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है हमारा प्रोसेस, लेकिन एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो लेके निकलेंगे हम। अब देखिए मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो गया है, जब तक ये साइडवेज मोमेंटम हटेगा नहीं तब तक हमें प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा और ना ही लॉस मिलेगा। ऐसा भी अगर ये डाउनसाइड भी नहीं आता, यहाँ तक मोमेंटम करता रहता है, तो हमें एक मोमेंटम जब तक नहीं है तब तक ना ही तो लॉस है ना ही प्रॉफिट, तो मार्केट में होल्ड करते हैं हमारी पोजीशन। तो करंट की बात करें तो जो हमारा प्रॉफिट है 1,00,000 के आसपास चलने लग गया है। मार्केट में देखिए बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम आया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ। तो पहले मैं एक पोजीशन को बुक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं होल्ड करता रहूँगा अपनी पोजीशन को 1,20,000। चलने देते हैं, इतना तेज़ी का मोमेंटम मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था, पता नहीं क्या रीज़न है। मे बी कोटक बैंक में देखते हैं, आज कोटक बैंक में एक न्यूज़ वगैरह थी, तो ये वाला जो स्टॉक है मोमेंटम कर रहा होगा, इसलिए मार्केट मोमेंटम कर रहा है। तो चलने देते हैं, वैसे तो मैं स्टॉक्स वगैरह को इतना ज़्यादा ट्रैक करता नहीं, लेकिन देखते हैं ये मोमेंटम तेज़ी का आ रहा है तो हमारा प्रॉफिट काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। 1,20,000 अच्छा खासा, देखिए जब आपको ये पता होना, जब मान लेते हैं यहाँ पे मैंने टारगेट लगा लिया होता तो मे बी ये मोमेंटम मैं कैप्चर नहीं कर पाता, तो ये अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल गया, तो मे बी मुझे सेकेंड भी पोजिशन बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रीमियम देखिए काफ़ी इंक्रीज़ हो नहीं रहा है कॉल साइड का, तो मैं इसको भी अपना निकाल देता हूँ। तो हमने जो नेट प्रॉफिट रहा हमारा 1,23,000 रुपये रहा,
और हमने, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा मोमेंटम हमें मिल जाएगा। 928 927 से हमने पोजीशन बनाना शुरू किया था और 952 के अराउंड हमने सभी पोजीशन को निकाल दिया है। तो वेट ज़्यादा तो थोड़ा सा तो ज़्यादा किया, लेकिन मार्केट ने हमारा जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा बना दिया। तो इसी मोमेंटम की हमें आवश्यकता होती है। ये मोमेंटम तब मिलता है जब आपको होल्ड करना आना चाहिए। अब देखिए, जब ये मोमेंटम आ रहा था तो मैंने इसको वेट किया, इसी कैंडल में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा था, 80-85 के राउंड अपना प्रॉफिट नज़र आने लगा था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और भी वेट किया, यहाँ तक मुझे मोमेंटम मिल गया। तो अब देखिए मार्केट में मैं यहाँ पे एग्जिट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में ये वाले स्टॉप लॉस थे। अब मार्केट बार बार यहाँ पे टेम्पटिंग करेगा, कोई बायर वगैरह आ रहा है तो मुझे नहीं पता कि मार्केट क्यों जा रहा है अपसाइड। बिल्कुल मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मार्केट को अपसाइड इतना जाना चाहिए था, लेकिन ये मोमेंटम आ गया। तो अब मार्केट की मर्जी है, क्या मैं इसको ये कहूँ कि यहाँ पे मैं पुट साइड की पोजीशन बना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक पोजीशन बनाई थी, उसमें मुझे मेरा प्रॉफिट हो गया। अब मार्केट क्लोज, अब मुझे मार्केट जहाँ जाए वहाँ जाने देते हैं, मार्केट डाउन साइड जाए अप साइड जाए कोई लेना देना नहीं होता।